below, down. Hello friends, welcome to my channel Shankar Sars Humanities. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए कि सीबीएसई का पेपर कब होगा, उसका डेट शीट कब आएगा, या डेट शीट का बारे में अभी क्या सीबीएसई का लेटेस्ट न्यूज है. ओके, तो जो आज तक एंड जो आपका इंडिया टुडे में जो आया था न्यूज, उसके अकॉर्डिंगली सीबीएसई का जो एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होगा और जो प्रैक्टिकल्स हैं वो हो जाएंगे आपका दिसंबर में. तो फिर बात ये आता है कि कौन सा पेपर पहले होंगे, डेट शीट तो अब तक आया नहीं. प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में आपका डेट शीट आ जाएगा. ओके, तो अभी हम ध्यान से देखते हैं, तो हम अभी प्रिपरेशन कैसे करें ताकि हम अच्छा मार्क स्कोर कर सके. मैं ये फील्ड में 15 साल से हूं, मेरा बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 90 प्लस रखे हैं, तो इसीलिए मैं मेरा एक्सपीरियंस से आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं कि आप अभी प्रिपरेशन कैसे शुरू करें. आप कोशिश करें कि दिसंबर से पहले, मतलब अप टू दिसंबर महीना भी आप ले लो, क्योंकि दिसंबर में आप बिजी रहेंगे, क्योंकि इस बार तो हर सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल हो गया, हर पेपर का प्रैक्टिकल देते देते 5 पेपर आपके पास होगा, किसी के पास 6 पेपर होगा, 6 पेपर का प्रैक्टिकल देते देते आपका दिसंबर तो आधा वहां यूज हो जाएगा. उसका मतलब आप अब से लगा लीजिए 2.5 महीना आपके पास अभी बचा है, और प्रैक्टिकल्स के बाद जो 1 महीना आपके पास बचेगा, जो महीना होगा आपका जनवरी का महीना, उसी महीने में आप क्या करेंगे, सिर्फ रिवीजन ही कर पाएंगे. आप अब से इसलिए पढ़ना शुरू कर दीजिए. अब आप हर सब्जेक्ट को टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप सोचिए आप कैसे ये सिलेबस को खत्म करना है. और आपको ये बात भी पता है जो 1 मार्क कोर्स क्वेश्चन है इसको क्रैक करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इसीलिए आपके लिए बेस्ट एडवाइस होगा आप एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी का हर पॉइंट को पढ़िए, और आपको जहां लगता है यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है आप वो 1 मार्क का क्वेश्चन बनाइए जरूर. ठीक है, तो और कैसे पढ़ेंगे आप कोशिश करिए दिसंबर से पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाए. उसके बाद दिसंबर में आप प्रैक्टिकल देंगे, जनवरी में आप फिर रिवीजन करेंगे, और फरवरी आपका फरवरी 15 से आपका पेपर शुरू है. फिर बात यह आता है कि जो बहुत अभी डिस्कस चल कर रहे हैं हम, कि प्रैक्टिकल इस बार जाके एक्सटर्नली होगा, बाहर जाके होगा, जैसे स्कूल में होता था, इस बार नहीं होगा. लेकिन इसको लेके कोई कंफर्मेशन अब तक सीबीएसई से नहीं आया है, तो हम देखते हैं कि क्या सीबीएसई डिसीजन लेता है. और नेक्स्ट ईयर जो है, जिसको आपको और ध्यान देना है, वो है कौन सा पेपर पहले होंगे. सीबीएसई का जो गाइडलाइंस है, सीबीएसई बोलता है जो सब्जेक्ट्स में ज्यादा बच्चे होंगे वो पेपर पहले हो जाएगा. उसका मतलब आपका पहला पेपर जो होगा वो इंग्लिश पक्का है. उसके बाद जो पेपर होगा फिजिक्स होगा, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री से कोई सब्जेक्ट होगा साइंस वालों का, अकाउंट्स होगा आपका कॉमर्स वालों का, एंड पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा आपका ह्यूमैनिटीज वालों का. तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट को आप अच्छा से अभी से कर लीजिए, क्योंकि यही सारे सब्जेक्ट्स पहले एग्जाम में आने वाले हैं. पहले आपको जो आएगा डेट शीट में, पहले जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो यही सब्जेक्ट्स होंगे. तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए. सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर अपडेट्स, एंड आप मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके. जब भी सीबीएसई का कुछ भी आएगा आपका एग्जाम पैटर्न हो जाए, या कुछ भी एग्जाम पैटर्न का बहुत सारे मैं बना दिया हूँ वीडियोस, और मैं हर सब्जेक्ट का डाल दिया हूँ, आपका लिंक भी डाल दिया हूँ कि सैंपल क्वेश्चन पेपर का, आप ध्यान से वहां से देख सकते हैं. और आपको कोई और सब्जेक्ट का भी चाहिए है तो एग्जाम पैटर्न आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका भी एग्जाम पैटर्न और उसका लिंक भी आपको भेज दूंगा ताकि आप सैंपल क्वेश्चन पेपर दिख सके. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम अहेड.